हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। एक ब्लू शीप, एक दुर्लभ जीव है, ये आप देख रहे हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क की ये तस्वीरें हैं, लगभग 14,000 से 15,000 फीट के बीच की। दिक्कत यह है कि ये जितनी भी ब्लू शीप हैं जिनकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अभी, इन सब की आंखों में एक बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से पहले इनकी आंखों में एक सफेद झिल्ली बन रही है, उसके बाद इनकी आंखें लाल होकर फूल जाती हैं और उसके बाद गिर जाती हैं, खून समेत आंखें नीचे गिर जाती हैं और वो खाली सॉकेट रह जाता है। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें बिल्कुल देखने लायक नहीं। ये आंख है जिसकी, जो गिर चुकी है पूरी तरह से। ये यहाँ पर हम अगर आपको उसको तस्वीरों को और वैसे दिखाएंगे तो बहुत ही देखने में ठीक नहीं रहेगा। आंखें इनकी गिर जा रही हैं, ये इस वक्त बड़ी समस्या है। ये भरल इनको स्थानीय भाषा में कहा जाता है, एक तरह की हिमालयन गोट है ये, जो काफ़ी दुर्लभ किस्म की है। और आपको बताएं कि ये पूरा का पूरा मामला इन ब्लू शीप्स के बारे में, इनकी आंखों की संक्रामक बीमारी के बारे में पता चला एक पर्वतारोही दल को, जो जोगिन पीक और थले सागर पीक के बेस कैंप पर था केदारताल में। केदारताल लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर एक बेस कैंप है, जहां से थले सागर पीक पर और जोगिन पीक पर जाते हैं पर्वतारोही। वहां पर 14,000 फीट से 15,000 फीट के बीच में पर्वतारोही टीम को ऐसे 9 भरल, ऐसे 9 ब्लू शीप मिली जिनकी आंखें फूल कर लाल होकर गिर रही थी। और उसकी वजह से आप देख रहे हैं जो तस्वीरें हैं, कई सारी ब्लू शीप गोल गोल एक ही जगह पर घूम रही थी, क्योंकि उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो ब्लू शीप आमतौर पर काफी तेजी से भागते हैं और अल्पाइन मेडोज में होता है, ऊपर जो चट्टानी इलाके होते हैं, ग्लेशियर के मोरेन उसके आसपास ये होते हैं और बहुत तेजी से भागते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में भी, ये आंखों पर इनके पूरा सॉकेट खाली है, सब नीचे गिर गया है और इसकी वजह से ये ब्लू शीप कहीं जा नहीं पा रही है। कुछ ब्लू शीप जो 2 हैं वो उनको मरी हुई मिली, क्योंकि वो अपना कोई खाना, कुछ चारा वगैरह वहां से नहीं ले पा रही थी, क्योंकि उनको कुछ दिख नहीं रहा था और चट्टानों में ही वो घूमने को मजबूर थी। ये तस्वीरें उसी पर्वतारोही टीम ने ली हैं और ये हमें पहुंचाई हैं। लवराज धर्मशक्तु हैं, जो 6 बार एवरेस्ट जा चुके हैं, भारत के एक बड़े पर्वतारोही हैं। उनकी एक पूरी टीम जो एवरेस्ट पर जाने की तैयारी कर रही थी और जोगिन पीक पर उस समय चढ़ने की तैयारी में थी, उसको ये सभी, उस टीम को ये तस्वीरें मिली हैं और उन्होंने इस पूरे मामले को गंगोत्री नेशनल पार्क के जो अधिकारी हैं उनको बताया। उन्होंने अपनी वॉकी टॉकी से उनको ये जानकारी दी कि हमें इस तरह के कई ब्लू शीप यहां मिल रही हैं जिनकी आंखें फटकर नीचे गिर रही हैं और उसकी वजह से इनकी जान को खतरा है, 2 मर चुकी हैं। और उसके अलावा उन्हें एक, ये आप देख रहे हैं, एक बच्चा है और इसकी माँ है, ये एक गड्ढे में मिले और गड्ढे में उसकी माँ मरी हुई थी बिल्कुल, काफ़ी दिन से उसने खाना नहीं खाया था। और इस बच्चे की हमने आँख जानबूझकर मोज़ेक किया है, क्योंकि आपको देखने में दिक्कत होगी, ये देख सकते हैं आप किस तरह से लाल रंग का थक्का बनकर आँख से नीचे गिर रहा है। तो इसको उन्होंने बचाने की कोशिश की और वाइल्ड लाइफ के जो तमाम अधिकारी हैं उनको इस बारे में जानकारी दी। लेकिन जो जानकारी हमें अभी तक मिली, और हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं फ़ोन लगाने की वाइल्ड लाइफ से जुड़े जो अधिकारी हैं उन्हें, और इस वक्त भी हम उन्हें फ़ोन कर रहे हैं, जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हैं खाती साहब, उनको हम फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं खाती साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। खाती साहब शुक्रिया। ये तस्वीरें हम देख रहे हैं ब्लू शीप की, गंगोत्री नेशनल पार्क की। ये 9 सितंबर का वाकया है और उसके बाद 22 सितंबर को भी ये स्थिति दिखी। आप लोगों को इसकी जानकारी दे दी गई थी पर्वतारोही टीम की तरफ से, लेकिन अभी तक हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। हमें IVRI के वैज्ञानिकों से हम लोगों ने बात की, उनका कहना है कि उनके पास अभी तक ऐसा कोई सैंपल नहीं आया है ऐसे किसी हिरण का जिसकी आंख में इस तरह की कोई संक्रामक बीमारी हो। मेरे ख्याल से आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है। सैंपल भेजा गया था, जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए थे वहां से, जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट का, अकॉर्डिंगली हमने यहां से सैंपल भेज दिए हैं। वहां से जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर गंगोत्री नेशनल पार्क के हैं, और जो सैंपल वहां से एक छोटा सा हमें वहां का उसका जो मिला था बच्चा महरल का, उसकी जो वीक था, उसकी डेथ जिसकी हुई, उसके हमने सैंपल भेज दिए और उन्होंने एक सर्टेन पैथोजन का नाम भी हमें सजेस्ट किया। मेरे ख्याल से ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन है ये कुछ तोड़ मरोड़ की है। जैसे ही हमें BSF की जो टीम वहां पर गई थी, हमारे स्टाफ ने सारा वहां पे उसको करा और फाइनली एक स्पेसिमेन यहाँ मिला, और ऐसा कि सारे वहां ब्लाइंड हो गए, खड्डों में गिर रहे हैं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हाँ, वहां लाली हुई है, इसके बारे में कई लिटरेचर इंटरनेशनली भी हम लोग ने वहां पे रिकवर कर रही है। तो और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की भी टीम, और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो वाइल्ड लाइफ के लिए सबसे बड़ा इस देश का
इंस्टीट्यूट है, उनको उन्होंने भी इस चीज को नकारा है। ये कहना कि साहब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये चीजें नहीं कर रहा, ये सही नहीं है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के संज्ञान में ये बात लाई गई। 9 इस तरह की गोट्स मिली है जिनकी तस्वीरें हम लोग दिखा रहे हैं। हमारा कहना सिर्फ ये है कि आईवीआरआई के वैज्ञानिकों को उसको हमने आईवीआरआई भिजवाया, उसके सैंपल्स को, क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी थी और उसकी और एक दिन में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। अभी हम वही बैठ करके अभी बात भी कर रहे थे यहाँ पे कि हम उनको एक स्टडी देना चाहते हैं आईवीआरआई को कि साहब आप अगर ऐसा है तो इसको देख लीजिए आप क्या कहें। सर ये 9 सितंबर का मामला है, 22 सितंबर को भी ये बताया गया, ये नवंबर खत्म हो गया, बीच में लगभग 2-2.5 महीना हो गया है, ये तो पता लगा होगा ये बीमारी कौन सी है। इससे आसपास वहाँ कई दुर्लभ वन्य जीव रहते हैं आसपास, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। लंग इन्फेक्शन उसमें होता है, वही लंग 20 सितंबर उनकी रिपोर्ट आ गई है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट से, मेरे ख्याल से आपकी इन्फॉर्मेशन को भी करेक्ट नहीं है। सर मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये एक बीमारी है, अगर उसकी कोई रिपोर्ट है तो आप हमारे को मेल पर वो रिपोर्ट अगर थोड़ी देर बाद भेज दें तो मैं अगले 4 बजे के कार्यक्रम में वो रिपोर्ट भी दिखा दूंगा। उन्होंने लिखा कि सीवियर वर्मिनस निमोनिया ड्यू टू प्रोटोगैलस स्पीसीज, ये उनका रिपोर्ट हमारे पास है, लेकिन हम उसके बावजूद भी जो है उनको एक यहाँ पे इनवाइट कर रहे हैं स्टडी के लिए कि अगर कोई ऐसी कोई सीरियल वहां पे है तो उसको हम लोग देख लें कि अगर कैसा कुछ है तो। खाती साहब मैं इस कार्यक्रम के बाद आपको एक मेल भेजूंगा, आप मेरे को अगर मेल पर वो रिपोर्ट अगर भेज दें तो हम उस रिपोर्ट को भी दिखाएंगे ताकि ये पता लगे कि आप लोगों ने इस बारे में जांच कराई है। लेकिन इस जो तमाम जो भरल वहां पर मिले हैं क्या है साहब? हेलो जी जी, नहीं आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम सुशील बहुगुणा है, मैं इस वक्त ये बहुगुणा जी, ऐसा है कि आपकी रिपोर्ट जो है मेरे ख्याल से ये तथ्यों पर आधारित नहीं है। अगर आपको तथ्य चाहिए सर, तथ्य तो हमारे पास सिर्फ तस्वीरों में है, तथ्य तो बाकी आप देंगे, हमने ये दिखाया है कि इतना तेज कार्य जो वन विभाग ने किया उससे तेज कार्य संभव ही नहीं था। नहीं, हम 9 तारीख की घटना और 20 तारीख को रिपोर्ट अगर इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भेज देता है और पैथोजन का नाम बताता है तो मेरे ख्याल से इसमें कोई डिपार्टमेंट हम किसी डिपार्टमेंट पर सर कोई आरोप लगा ही नहीं रहे, हम ये कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनमें उनकी आंखों की जो स्थिति है वो हम दिखा रहे हैं, और कुछ तस्वीरें इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं कि बहुत अगर आपने खराब पढ़ेंगे ऐसी स्थितियां हुई हैं इंटरनेशनली और स्पीसीज में भी जो माउंटेन शीप्स हैं या माउंटेन गोट्स हैं उनके उसमें उन्होंने रिपोर्ट किया, लेकिन जो सैंपल हमारे पास आया उसको उन्होंने लॉन्ग वॉर्म से रिलेट किया। लेकिन फिर भी हम क्योंकि रिपोर्ट हमें एक मिली थी, अगर ऐसी कोई चीज है तो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट को हम इनवाइट कर रहे हैं अपनी ओर से फंडिंग करके कि आप हमारे एरिया में काम कर लीजिए और बता दीजिए कोई मेजर बीमारी तो नहीं आ रही इधर को। एक तो सर अभी 2 महीने में क्या ये तैयारी नहीं हुई कि जाकर के वहां पर, अब तो सर्दियां बर्फ वहां पड़ चुकी होगी और पड़ रही होगी, जाना मुश्किल हो जाएगा। आपको पता है क्या साहब अभी वहां पे सिचुएशन क्या है? आप तो बगोड़ा तो सर ने पहाड़ का ही है, अक्टूबर में होकर के आया हूँ, उस ऊंचाई पर बर्फ इस समय पड़ने लगती है और ये जो भरल वगैरह है इनको लाना अब ज्यादा मुश्किल होगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर सितंबर में खबर आई थी तो क्या हेलीकॉप्टर लेकर के कुछ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ गया? में आपको मालूम है नीचे की तरफ आते हैं कि ऊपर जाते हैं पहाड़ में, है ना? ऐसा है कि भरल जो है इतनी बर्फ में ऊपर नहीं जाता, वो नीचे आएगा बर्फ पड़ने पर। मैं कह रहा हूँ कि अभी आएगा, उस समय क्या आपने इस तुरंत कोई कार्रवाई की, क्योंकि वहाँ और भी कई इस तरह के दुर्लभ वन्य जीव रहते हैं। मैं वन विभाग पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि ये तस्वीरें अपने आप में तथ्य हैं। और इसीलिए एक हम जो जीवित वहाँ से सैंपल को अपने साथ आए जिस पर हमारे स्टाफ को इन्फेक्शन लगा कि उसकी आंख में है, और उसके बाद उन्हें कोई भी वहाँ मरा हुआ या गिरा हुआ कोई दूसरा स्पेसिमेन नहीं मिला। एक स्पेसिमेन जो लाए थे वहाँ से उसका उन्होंने यहाँ पे जब गंगोत्री में लाए उसको उत्तरकाशी में लाके तो उसकी डेथ हो गई थी। उसके जो पार्ट मांगे थे इंडियन वेटरनरी रिसर्च ने उसे भेज दिया, उसका तो हमने एक रिपोर्ट दे दी। और हम ये भी कह रहे हैं कि कंक्लूजिंग स्टडी ये नहीं है और इसको हम जो है आईवीआरआई को इन्वाइट करेंगे, क्योंकि बर्फ जब पिघलेगी तभी वो इन क्षेत्र में जा पाएंगे या नीचे के क्षेत्र में जहाँ करना चाहें। सारे ग्लेशियर्स आ गए, इस पर जम गया है पानी, आप जानते हैं वहाँ पे के अंदर ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होगा जाना। शुक्रिया खाती साहब, आप काफी जानवरों को लेकर चिंतित हैं, हम भी उतने ही चिंतित हैं। वन विभाग पर किसी तरह का आरोप लगाने का इरादा नहीं है, तस्वीरें अपने आप में तथ्य हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं। और सितंबर का ये मामला है, अब तक शायद कोई और देश होता और इतने करीबी प्यार करता अपने वन्य जीवों से तो उनको लेकर के आता और बाकी वन्य जीवों को बचाने के लिए भी कुछ कोशिश करता। क्या ऐसी कोई कोशिश हुई है कि बाकियों में संक्रामक रोग न फैले, अगर ये संक्रामक रोग है तो?
हमारे साथ थे डीवीएस खाती जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है उत्तराखंड के। उन्हें लगता है कि हम ये खबर बता रहे हैं तो आरोप लगा रहे हैं। वन विभाग पर आरोप लगाने का कोई इरादा नहीं है। ये तस्वीरें अपने आप में तथ्य हैं जो बता रही हैं कि 9 इस तरह की ब्लू शीप हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज की, इंडेंजर्ड स्पीशीज है जो दुर्लभ है और पूरा जो वन्य जीव है ऊंचे हिमालयी इलाकों में इनके आसपास होता है। ये कई जानवरों का शिकार भी वहां पर होती है और एक तरह की उस फूड चेन का एक बहुत अहम हिस्सा होती हैं। सितंबर की बात है और अभी तक स्थिति यह है कि IVRI को शायद इनवाइट नहीं किया है डिटेल्ड स्टडी के लिए। अब वहां बर्फ पड़ने लगती है, उसके बाद वो कब आएंगे आप देख सकते हैं। तस्वीरें आम तौर पर भरल इस तरह से दौड़ती हुई दिखती हैं, वैसी लाचार नहीं दिखती जैसे हम अभी तक तस्वीरों में दिखा रहे हैं। स्थानीय भाषा में भरल कहते हैं इनको और ये ऊंचे हिमालयी इलाकों में मिलती हैं। एक तरह की दुर्लभ हिमालयन गोट है, नाम इसका ब्लू शीप है लेकिन गोट के ज्यादा करीब मिलती है। हिमालय, चीन, इनर मंगोलिया, उन ऊंचे इलाकों में ये ज्यादा पाए जाते हैं और खासतौर पर उन इलाकों में जो एल्पाइन मेडोज होते हैं जहां ट्री लाइन खत्म हो जाती है और उसके आसपास के जो ऊंचे चट्टानी इलाके होते हैं, ग्लेशियर के मोरेन्स जहां होते हैं, जहां ग्लेशियर पीछे छोड़ने के बाद जो मलबा अपना छोड़ देते हैं उस चट्टानों के आसपास ये होते हैं और वहां की जो पूरा वन्य जीवन है उसका एक अहम हिस्सा होते हैं और इनके पूरे झुंड के झुंड पाए जाते हैं और इस तरह से दौड़ते हुए आप देख सकते हैं। चोरी छिपे इनका काफी शिकार होता रहा है, इसलिए भी ये काफी ज्यादा खतरे में है लगातार। और अगर आप नर की बात करेंगे जो मेल होता है 60 से 75 किलोग्राम वजन का होता है, जो फीमेल होती है वो 35 से 45 किलोग्राम वजन की होती है और इनके बड़े खूबसूरत सींग होते हैं। जो नर है वयस्क नर उसके सींग बड़े खूबसूरत होते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं और ब्लू शीप जो वयस्क मादा होती है उसके सींग छोटे होते हैं। तो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत वन्य जीव है। हमें चिंता हुई इन तस्वीरों को देखने के बाद, तो हमें लगा कि ये आप तक पहुंचाएं ताकि कहीं किसी तरह का कोई दबाव बने विभागों पर जो संबंधित हैं और वो इन वन्य जीवों को बचाएं और इन वन्य जीवों से जुड़े जो दूसरे वन्य जीव हैं, स्नो लेपर्ड तक भी वहां स्पॉट किया जाता है उन इलाकों में, तो उन तक ये बीमारी न फैले। खाती साहब कुछ और जानकारी हमको देंगे तो हम उसे भी आगे के कार्यक्रमों में शामिल करेंगे।